नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो इस टाइम पर 6 बजे हैं सुबह के। मुझे तीनों बच्चों का टिफ़िन बनाना है, हस्बैंड का लंच बनाना है, सारे काम करने हैं। और मेरे सुबह उठने के बाद ना काम का करने का प्रोसेस क्या होता है, पहले मैं लगाती हूँ झाड़ू। झाड़ू तो मस्ट है मेरे घर में, बिना झाड़ू के कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद मैं नहाऊँगी, और ऐसे नहीं है कि भाई घंटों लगा रही हूँ नहाने में, 5 से 6 मिनट में नहा के निकल जाती हूँ। कुल मिला के ये है कि भाई 2-4 मग्गे डालो, निकलो, क्योंकि टिफ़िन बनाने हैं। प्लस अपने नहाने से ज़्यादा ना बच्चों की चिंता होती है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, समय लगता है बच्चों को रेडी होने में। बच्चे आधी नींद में रहते हैं, कई बार बाथरूम में ही सो जाते हैं, आवाज़ लगानी पड़ती है ना, ऐसा अक्सर होता है। इसलिए मैं फटाफट नहा धो के आ जाती हूँ, और जब तक मैं किचन में आती हूँ तब तक मेरे हस्बैंड बच्चों के टिफ़िन के लिए फ्रूट्स काट देते हैं। आप देख रहे हैं, अनार उन्होंने छील दिए हैं ऑलरेडी, और जितनी भी उनकी डब्बियाँ होती हैं टिफ़िन की छोटे वाली वो निकाल देंगे, प्लस टिफ़िन रख देंगे ढक्कन के साथ, बोतल भर देंगे पानी की। तो ये सारे काम वही करते हैं, और मुझे बहुत हेल्प मिलती है इन चीज़ों से। एनीवेज, अब मैं बनाऊंगी बढ़िया वाली अरबी की सब्ज़ी। तो अरबी हम 2-3 प्रोसेस से ही बनाते हैं। आज मैं बढ़िया सी सब्ज़ी बनाऊंगी, वो भी बिना लहसुन प्याज के। अब जैसे जैसे सुबह क्या होता है ना कि बड़ा काम रहता है कि भाई कैसे बनाएं, समय नहीं है, तो कुछ कुछ प्लानिंग अगर आप कर लेंगी ना तो सारे काम समय पर होंगे। जैसे मैंने ये पालक रात में साफ़ कर दिया था, और इसको धोया नहीं था, सिर्फ साफ़ करके मैंने फ्रिज में रख दिया था, और मैं पोलोथीन में पैक करके रखती हूँ इसे। आपके पास हो सकता है और भी आइडियाज़ हो इसे अच्छा फ्रेश रखने के फ्रिज में, पर पर्सनली मैं इसे पन्नी में रखती हूँ तो ये फ्रेश बना रहता है। और मैंने रात में अरवी उबाली थी, अरवी उबाल कर मैंने छील दिया था, और एक कटोरी मैंने ले लिया घर की ताज़ी दही। जो दही है उसमें हल्का सा खट्टापन अगर होगा तो आपकी सब्ज़ी बढ़िया बनेगी, हल्की खटास हमें चाहिए। और ये अरवी हैं, आधा किलो थी मेरे पास, तो मैंने सारी उबाल दी थी। इनको छीलकर मैंने गोल गोल कट कर लिया, आप जैसा चाहे काट सकते हैं। और ये पालक मैंने कट कर लिया, और शिमला मिर्ची कट कर ली। आप चाहें तो यहाँ पर आप प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चूँकि सावन का महीना है, प्लस मेरी मैक्सिमम रेसिपीज़ ना बिना लहसुन प्याज की ही होती हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि बिना लहसुन प्याज की स्वाद नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये वाली रेसिपी ट्राई करना, बिल्कुल इसी प्रोसेस से बिना लहसुन प्याज डाले, और फिर स्वाद देखना कितना कमाल खाएगा। अब चूँकि बच्चों के लिए टिफ़िन में ये सब्ज़ी बन रही है, बच्चे पसंद नहीं करते हैं ऐसी सब्ज़ियाँ, पहले कुछ मसाले निकाल लेते हैं। मैंने सौंठ पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर और काली मिर्ची निकाली है, और ये जितने भी बोतल देख रहे हैं ना, अब हमारे घर में ऐसे मसाले आते ही हैं, तो मैंने फेंकती नहीं हूँ, साफ़ करके इनमें छोटे छोटे क्वांटिटी में मसाले स्टोर करती हूँ। तो ये घर की ताज़ी दही 1 कप, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्ची स्वाद के हिसाब से, थोड़ी हल्दी, थोड़ा धनिया, थोड़ा गरम मसाला, नमक, थोड़ी सी चीनी, और 2 चम्मच बेसन और काला नमक, थोड़ा चाट मसाला। तो ये मसाले डालेंगे। अगर कोई मसाला आपके पास नहीं है तो यू कैन स्किप, नो इश्यूज़, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो हाई फ्लेम पर ये अरवी मैंने लाल लाल भून ली है सरसों के तेल में, और जो तेल है ना उसे नहीं ऐड करना है, मतलब जो अरवी हमने भूनी है तेल हटा दीजिएगा, थोड़ा तिरछा कर दीजिएगा अरवी को, तो एक्सेस ऑयल निकल जाएगा। मीनवाइल दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा हींग, थोड़ी सी अजवाइन डाली मैंने, और जो हमारा शिमला मिर्ची और पालक मैंने काटा था ना ये इसमें डालेंगे, और मध्यम आँच पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब चूँकि बच्चे अरवी वगैरह नहीं खाते हैं इसलिए हमने इन्हें भूना है। फ्राई करके जब आप ऐसे बनाएंगे ना तो डीप फ्राई नहीं, शैलो फ्राई, हल्के तेल में भूना है, तो ये स्वाद बनती है, बच्चे फिर खाते हैं प्यार से, प्लस टेस्ट भी चेंज होता है। और चूँकि रात की अरवी थी जो हमने उबाल के रखी थी, तो ख़राब ना हो इसलिए हमने इन्हें फ्राई करा है। कच्ची मतलब डायरेक्ट भी आप उबाल के बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्राई करना ज़रूरी है, लेकिन फ्राई करेंगे तो स्वाद बहुत बढ़िया आता है। फिर शिमला मिर्ची के साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून पानी में भीगी कसूरी मेथी डाली, उसको भी मैंने थोड़ी देर भूना, और फिर ये मसाला मैंने डाल दिया। ये जो मसाला है इसको डाल के अच्छे से मिला देंगे, 2 मिनट पहले ऐसे ही भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। अब यहाँ पर पानी की मात्रा आपको किस हिसाब की ग्रेवी बनानी है उस हिसाब से ऐड की जा सकती है। अब मुझे ये सब्ज़ी रोटी के साथ देनी है बच्चों को टिफ़िन में, तो मैंने पानी ज़्यादा नहीं मतलब अभी तो पानी ज़्यादा डाला है, लेकिन पकेगा पानी तो सब्ज़ी पकेगी तो पानी कम हो जाएगा। अब ये फ्राइड अरवी मैंने इसमें ऐड कर दी है। मेक श्योर कि तेल की मात्रा ज़्यादा ना हो इसमें, क्योंकि टिफ़िन पप्पा से बना रहे हैं फिर तेल लीक होगा, इसलिए थोड़ा तिरछा करके ऐड करिएगा। और अरवी डालने के बाद आप इसे ढक्कन लगाकर 5 से 6 मिनट पकने के लिए रख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आ जाती है दूसरी बारी, तो फटाफट ये छिलके वगैरह हम सब हटा देंगे यहाँ से, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रेप करेंगे अपनी। तो नेक्स्ट आ जाता है बच्चों के लिए रोटी बनाना, तो फटाफट बच्चों के हिसाब से मैं रोटी पराठा जो भी उनको चाहिए वो बना दूंगी। कई बार वो पराठे ले जाते हैं, कई बार वो रोटी लेके जाते हैं, तो आज मैं पराठे बनाऊंगी उनके लिए।
और साइड बाय साइड दूसरे काम होते रहते हैं, लाइक बच्चे नहा लिए, वो उन्होंने कपड़े पहन लिए, मैं बार बार बाहर जाके चेक भी करती हूँ कि भाई टाइम पे सारे काम हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि लेट हो जाता है 6:55 पे एग्जैक्ट बस यहाँ पर आता है, एक मिनट भी अगर आपने लेट किया तो बस चला जाता है, फिर आपको खुद ड्रॉप करना पड़ेगा और इतना समय बिल्कुल नहीं होता कि खुद से ड्रॉप करें, लेकिन हाँ कई बार हो जाता है कि खुद जाना पड़ता है छोड़ने के लिए थोड़ी सी देर और बस का चले जाना है ना। तो हम सभी ये सोचते हैं कि भाई हमारे काम ना बढ़े, बच्चे समय से स्कूल पहुँच जाए। तो बस अरवी की सब्ज़ी ऑलमोस्ट बनने आई है, उसके बाद मैंने ये देखिए कढ़ाई शिफ्ट कर दिया है दूसरी गैस के ऊपर, और अब जो है मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए पराठे। और जिस पैन में मैंने अरवी फ्राई करी थी वही पैन मैंने साइड में रख दिया है, उसको मतलब धोया नहीं है अभी, ऐसे रख दिया है क्योंकि आगे मैं बताऊंगी उसमें क्या करेंगे। तो सबसे पहले रोटी बनेगी गाय की, पराठा ही बनाती हूँ मैं। देखो अगर मैं पराठे बना रही हूँ तो पराठा गाय का बनता है, अगर मैं चपाती बनाती हूँ तो चपाती गाय की बनती है। और ये बच्चों के टिफ़िन के लिए बटर पेपर, ये हम हमेशा एडवांस में काट के रखते हैं ताकि सुबह जो है इन्हें काटना ना पड़े। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि ख़त्म हो गए, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो टाइम लगता है फिर इनको काटो, ये करो वो करो, तो बेटर है कि आप एडवांस में ही करके रखें तो काफ़ी टाइम सेव होता है। तो बस सब्जी बन चुकी है, गाय का पराठा बन चुका है, बच्चों के तीन पराठे बनाने हैं मुझे, और ब्रेकफास्ट में आज वो थोड़ा कुकीज़ खा के जाएंगे। और मैंने आपके साथ वो कुकीज़ की रेसिपी शेयर करी थी, बहुत बढ़िया रेसिपी बनती है, वीट फ्लावर कुकीज़ स्टोरेबल होती है, आप एक बार बनाकर स्टोर कर सकते हैं बच्चों को शॉर्ट ब्रेक में, जैसे कभी कभी फ्रूट्स नहीं है तो आप वो भी दे सकते हैं, क्योंकि वो वीट फ्लावर की हैं, स्कूल से कोई कंप्लेंट नहीं आएगा। तो मेरे बच्चों को मैंने आज ये वाली कुकीज़ दी हैं खाने के लिए, और ये देखिए सब्जी यहाँ पर बन चुकी है। हमने थोड़ा तेल डाला था लेकिन फिर भी देखिए तेल फ्लोट हो गया है, क्योंकि दही में भी घी होता है ना, इसलिए मैंने कहा था कि कम तेल डालना। और ये सब्जी ना मैंने तो टिफ़िन पर्पज़ से बनाई है, आप इसे किसी पार्टी में भी बना सकते, बहुत स्वाद बनती है ये। और बस लोहे की कढ़ाई में बनाया ना, इसलिए इसको तुरंत हम शिफ्ट करेंगे, नहीं तो इसका कलर भी चेंज होगा और हल्का कड़वापन इसमें आ जाएगा। इसलिए जो भी सब्जी आप लोहे की कढ़ाई में बनाती हैं उसे फटाफट शिफ्ट करिए। और चूंकि सब्जी बहुत गर्म है तो मैं इसे थाली में निकाल कर फ़ैन के नीचे रख दूंगी ठंडा होने के लिए, ताकि मैं इसे आसानी से टिफ़िन में पैक कर सकूं। और यहाँ पर बच्चों के पराठे बन चुके हैं, तीनों का एक एक पराठा जाएगा। अब मेरी बेटियाँ अगर मैं उन्हें डेढ़ डेढ़ पराठा दे दूँ तो वो नहीं खाती हैं, वो घर आके फिर मेरे साथ आर्ग्यू करती हैं कि आपने 1.5 पराठा दिया हमें, हमें समय नहीं मिला, टीचर चिल्लाने लग जाते हैं नॉल। तो मैं एक एक ही देती हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा मोटा मोटा सा बना देती हूँ। ऐसी चलाकियाँ मुझे लगता है हर मम्मी करती हैं, जब बच्चे कहते हैं ना कि एक ही खाएंगे तो मैं डेढ़ पराठे जितना आटा एक में ही लगा देती हूँ। तो तीनों बच्चों का टिफ़िन पैक हो गया, सेफ साइड रखते हुए मैंने थोड़ा फॉइल भी लगा दिया है छोटे डब्बे के ऊपर, ताकि अगर सब्जी का कुछ निकले तो बैग गंदा ना हो। उसके बाद ही मैंने एक पॉलीथीन में पैक करके देती हूँ टिफ़िन को, बच्चों को एक एक पॉलीथीन मैंने दे रखी है कि भाई थोड़ा टिफ़िन उसमें, आधा टिफ़िन भी आ जाएगा तो चलेगा, जो भी कुछ लीक होगा तो वो पॉलीथीन में हो जाएगा। तो बस यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया मैंने, अब मैं चोटी बना रही हूँ गोलू की, और मैं नैपकिन भी रखती हूँ बच्चों के टिफ़िन में, हालांकि वो कभी यूज़ नहीं करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब वो खाना खाएंगे तो उनकी उंगलियाँ गंदी होंगी, ये यू नो हाथ गंदे होंगे, वो किससे पोछेंगे, तो मैं रखती हूँ और वो साफ़ सुथरा घर वापस आता है। तो गोलू की चोटी बना दी है मैंने, वैभव की कंघी कर दी है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड छोड़ने गए हैं, और जब वो छोड़ने जाते तब मैं लेती हूँ अपनी थायराइड की दवाई। तो बस थोड़ी देर बैठती हूँ मैं यहाँ पर, 5 से 7 मिनट बैठती हूँ, बाल वाल एकदम अच्छे से यू नो लूज़ हो जाते हैं काम करते करते, तो बाल बांध लेंगे दोबारा किचन में ना, खुले बाल। जब मैं वीडियोस बनाती हूँ ना कुछ ऐसा कुर्ता वगैरह दिखाने की, तब मेरे बाल खुले होते हैं, लेकिन कुकिंग करते हुए हमेशा मैं बाल बांधती ही हूँ। और टाइम दिखाऊँ मैं आपको, देखिए एग्जैक्ट 7 बज गए हैं, तो 6:55 पे वो चले गए थे, और अब आ जाती है हस्बैंड के टिफ़िन की बारी। तो बढ़िया वाली रेसिपीज़ दूँगी आपको, मज़दार। तो जो अरवी वाली रेसिपी है तो ये टिफ़िन के लिए हो जाएगा है ना, इसे आप बना सकती हैं, स्वाद बहुत अलग आता है। और मैं फ्रिज में से कुछ एक सामान लेकर आई हूँ, जिसमें काजू लाई हूँ मैं, साथ में मैं सूखी लाल मिर्ची, मैं अंदर फ्रिज में ही रखती हूँ लाल मिर्ची, क्योंकि मैंने कई बार बाहर रखा तो कीड़ा लग जाता है। तो दाल तो मैंने सुबह सबसे पहले भिगो दी थी, अब ये चावल हैं जो मैं धो दूँगी। तो चूँकि अभी समय है, आधा घंटा है मेरे पास खाना बनाने के लिए, हाफ एन आवर है, तो आराम से बन जाएगा। और 15 मिनट मुझे राइस भिगोने होते हैं, तो मैं इन्हें सबसे पहले भिगो के रखूँगी। मीनवाइल मैं एक लौकी लेकर आई हूँ फ्रिज से, इसे फ्रिज से नहीं बाहर ही रखा था, मैं लौकी तोरी फ्रिज में नहीं रखती हूँ, थोड़ा ना फिर गलती नहीं है, प्रॉब्लम होता है गलने में, समय लगता है, इसलिए मैं ये लौकी तोरी फ्रिज में नहीं रखती हूँ। आप भी ये टिप फॉलो करना,
वैसे तो जब भी लौकी तोरी लाएं आप कोशिश ये करें कि उतना ही लाएं जितना आपको ज़रूरत हो, और सेम डे उन्हें खाने की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए, नेक्स्ट डे रखेंगे। गर्मी है ना तो ये सूख भी जाता है, ड्राई हो जाता है, फ्रिज में आप रख कर बनाना इन्हें फ़र्क पड़ता है, समय लगता है गलने में। तो ये जो लौकी है मैं पूरा नहीं काटूंगी, हाफ लौकी मुझे काटना है, और गलती मेरे से ये हो गई कि मैंने इसमें स्लिट लगा दिया, कट कर दिया, मुझे इसको हाफ ऐसे ही रखना था, मैं इसका रायता वगैरह बनाती, पर कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने टमाटर काट लिए हैं, टमाटर 120 रुपीज़ किलो है अभी भी मेरे यहाँ, और मेरी उंगली ना कल कट गई थी, तो देखिए मैं एक सेफ साइड बरतते हुए सब्जी काट रही थी, अब आप विश्वास नहीं करेंगे, वापस आज फिर उंगली कट गई मेरी, काफ़ी ब्लड निकला, आप देख रहे हैं कैसे उंगली उठा उठा के मैं काम कर रही हूँ। तो ये जो भीगी हुई दाल थी जो मैंने सबसे पहले उठ के भिगोई थी, इसको डालेंगे हम कुकर के अंदर, टमाटर, लौकी, सूखी लाल मिर्ची, तेजपत्ता, थोड़ा मेथी दाना, थोड़ी हल्दी, थोड़ा धनिया, लाल मिर्ची, नमक और पानी दाल वाला जिसने भिगोई थी, और हाई फ्लेम पर मैं 2 सीटी इसमें दे दूँगी, और उसके बाद हम चावल बनाने की तैयारी करेंगे। तो भाई मैं ऐसे ही सुबह सुबह सारी तैयारी करती हूँ, समय बहुत बचता है, और मेरे हिसाब मुझे जो पर्सनली लगता है ना कि जब आप ऐसे दाल बनाते हैं ना तो फ्लेवर और उभरते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाती है। तो मुझे बनाना है आज यहाँ पर पुलाव, जिसके लिए मैं जीरा साफ कर रही हूँ। तो वैसे ये सारी चीज़ें मैं हमेशा साफ़ करके रखती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समय नहीं मिला, मैंने ऐसे पैकेट खोला डाल दिया, तो कई बार ना छोटे छोटे कंकड़ इसमें होते हैं तो फिर पूरी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, इसलिए साफ़ करें। तो मैंने कढ़ाई में डाला है शुद्ध घी 2 टेबल स्पून, उसमें डाले हैं कुछ काजू मुट्ठी भर के, इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी, लो फ्लेम पर फ्राई करें इन्हें, जब ये सुनहरे हो जाए तब डालें जीरा, 1 तेज़पत्ता, आप चाहे तो काली मिर्ची डाल सकते हैं साबुत वाली, मेरे बच्चे और हस्बैंड को पसंद नहीं आता तो मैंने नहीं डाला है, आप चाहे तो इसमें काली मिर्ची, लौंग, हरी इलायची भी ऐड कर सकते हैं। मैं अपने परिवार के पसंद के हिसाब से खाना बनाती हूँ, उनको जो पसंद है वही ऐड करती हूँ। थोड़ा नमक डाला मैंने, और बस लो फ्लेम पर अब हम ये राइस बनने के लिए रख देंगे। अब देखिए जो राइस है मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, और टाइम टेकिंग प्रोसेस है कढ़ाई में बनना, 15 मिनट लगेंगे एटलीस्ट, आप चाहे तो कुकर में 1 सीटी लगा कर इन्हें बना सकते हैं। तो काउंटर टॉप पर थोड़ा पानी पानी हो गया था तो मैंने इसे साफ़ कर दिया, और अब मैं दोबारा आटा लगा रही हूँ। रीज़न, पहले जो मैंने आटा लगाया था वो 4-5 रोटी का ही था, क्योंकि मेरा जो डब्बा है ना आटे वाला उसमें आटा ख़त्म हो चुका था, अब पैकेट खोलो डालो तो समय लगेगा, तो मैंने सोचा पहले यही गूँथ लेते हैं, बच्चों की रोटी बना देते हैं, दोबारा बना लेंगे क्योंकि दोबारा मेरे पास समय होता है। और काम करते करते कहीं लाल दाग टमाटर के, कहीं पीले दाग, ऐसे लगते ही रहते हैं कपड़ों के ऊपर। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट आटा गूँथ लिया, और आप देख रहे हैं मैं कैसे गूँथ रही हूँ, क्योंकि मेरी उंगली ना इसमें से इतनी ब्लीडिंग हुई वापस से आज, और ऐसी जगह से कटा है ना कि आप बैंडेड भी लगाओगे ना तो वो टिकता ही नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। और हम मम्मियाँ ना ऐसे करते हैं ना कि हमारा हाथ जले या उंगली कटे, हम उस टाइम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती कि भाई हमारी चोट लगी है ना, और जब सब लोग चले जाते हैं, सारे काम समय पे हो जाते हैं, तो फुर्सत में बैठ के हम देखते हैं कि अरे कितना गहरा कटा है, ज़्यादा कट गया है, ज़्यादा जल गया है, फिर हम ट्रीटमेंट लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुरंत ट्रीटमेंट लेने चाहिए, पर मैक्सिमम देखा है मैंने कि हमेशा सारे काम ख़त्म करने के बाद हम अपने बारे में सोचते हैं कि चलो अब दवाई लगा ली जाए। और देखिए कुछ बर्तन हो गए थे तो आटा रेस्टिंग पर है, चावल बन रहे हैं, दाल में सीटी आ रही है, तो आई थॉट कि चलो फटाफट बर्तन भी कर लिए जाएं। तो चूंकि ये बर्तन मुझे ही करने हैं, अब करूं या बाद में, तो बेटर है अभी कर लूं, बाद का समय तो बचेगा, तो जितने भी बर्तन हैं वो फटाफट कर लूँगी, प्लस सिंक खाली रहेगा, जब सिंक भरा रहता है ना तो बैक ऑफ माइंड ये चलता है मेरे कि भाई बर्तन पड़े हैं बहुत सारे। तो बस इसी तरीके से मैं प्लानिंग करती हूँ सारी, कि फटाफट सारे काम समय पे हो जाएं, हस्बैंड का टिफ़िन भी बनेगा, और ऐसा नहीं कि भाई सिंपल टिफ़िन बना रहे हो आप, यू नो आप वेराइटीज़ दे रहे हो, दाल भी बन रही है, चावल भी बन रहे हैं, रोटी भी बन रही है, सब कुछ बन रहा है, और बच्चों को भी प्रॉपर टिफ़िन दिया है हमने, है ना, फ्रूट्स भी दिए हैं, सब्जी भी बनाई है, और समय पे सारे काम हो गए, 6:55 तक मेरे काम हो जाते हैं, मतलब 6:30 बजे तक मुझे हर हाल में कुकिंग करनी ही है, उससे लेट अगर हो गया तो बच्चों की चोटी बनाना, बच्चों को खाना खिलाना, फिर ये सारे काम छूट जाते हैं। तो बर्तन भी हो गए, साफ़ कर दी सिंक वगैरह सब, फिर से वापस से साफ़ कर दिया, क्योंकि बर्तन साफ़ करके यहीं रखे थे ना तो पानी के ड्रॉप ड्रॉप आ गए थे, और ये पुलाव भी बन चुके हैं मेरे। तो पुलाव बनाने के बाद हमेशा रेस्टिंग टाइम दें इन्हें, अभी पहले थोड़ी सी देर के लिए मैंने दूसरी गैस पे रखा है इन्हें, क्योंकि थोड़ी कसर है अभी, तो बीच में जो चलाए नहीं इन्हें, जब आप खुले में चावल बनाती हैं तो बीच में चलाए नहीं, बस आप लीड हटाकर देखेंगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये बन रहे हैं, थोड़े फुले फुले से दिखेंगे, एकदम खिले खिले दिखने लग जाएंगे। तो मुझे अब बनानी है सिर्फ 2 रोटी यहाँ पर, तो टिफ़िन के लिए 2 रोटी बनानी है, और 2 बनाने हैं मुझे पराठे खाने के लिए हस्बैंड के, बस कुल मिलाकर 4 बनेंगे।
अब जैसे मैं दो रोटी निकल गई ना मेरे मुंह से, तो एक तो कमेंट आ जाता है ऐसा, इट्स फनी पर सच में आता है कि आप तो बोल रही थी दो रोटी बनानी है, फिर आपने बोल दिया चार रोटी बनानी है, आप खुद इतनी कन्फ्यूज हो। तो सुबह सुबह हो जाता है ऐसा, मुँह से निकल जाता है, ठीक है। और ये वॉइस ओवर जब मैं करती हूँ ना, तो मैं ऑलमोस्ट 8:30 करती हूँ वॉइस ओवर सबके जाने के बाद आराम से, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं कि जब घर से बच्चे या हस्बैंड जाएँ तो तुरंत काम नहीं करने चाहिए। तो वो फ्री टाइम जो मेरे पास होता है ना आधा घंटे का, उसमें मैं अपना वॉइस ओवर करती हूँ, अपनी एडिटिंग करती हूँ, मैं अपना एक भी सेकेंड वेस्ट नहीं करती हूँ। और बस देखिए ऑलमोस्ट मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं टिफ़िन वाले, रोटी भी बन गई है पैक करने के लिए, दाल भी उबल चुकी है, बस दाल में छोंक लगाना है, वो मैं अभी लगाऊंगी। तो इस तरीके से ना आप जब दाल बनाएंगे आपका समय भी बचेगा, प्लस बहुत बढ़िया दाल बनती है, फ्लेवर्स बहुत उभर के आते हैं ऐसे, आप बनाकर देखना। और ख़ास बात यह है इन दालों की कि इसमें ना कोई भी सब्ज़ी आप ऐड कर दें तो स्वाद लगती है, ऐसा नहीं कि दाल खा खा के बोर हो जाते हैं ना, डिफरेंट टेस्ट आता है। तो बस दाल को एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, फिर यही है वो पैन जो मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि इसको रखना है, वो जो अरवी वाला पैन था ना जिसमें मैंने अरवी फ्राई की थी, उसको धोया नहीं था मैंने, रख दिया था। तो उसी पैन में मैंने डाला थोड़ा शुद्ध घी, थोड़ा हींग, जीरा, सूखी लाल मिर्ची, एक तेज़पत्ता, और गैस की फ्लेम बंद कर दी मैंने। और जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और इसमें मिला देंगे। अब चूंकि ये सब्ज़ी ये दाल टिफ़िन में जाता है, हस्बैंड कई लोगों के साथ बैठ के खाना खाते हैं तो रंग पीला पीला अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालती हूँ ताकि दाल दिखने में अच्छी लगे, है ना। अब किसी के सामने आप टिफ़िन खोलो और दाल का रंग अजीब हो तो सामने वाला भी ये कहता है कि बड़ा फीका फीका खाना है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इस तरीके से छोंक लगाती हूँ। ऊपर से हरा धनिया आधा चम्मच, गरम मसाला डालकर थोड़ी देर रख देंगे और ये हमारे टिफ़िन के लिए बहुत टेस्टी दाल बनकर तैयार है। तो चलिए टिफ़िन लगाते हैं। तो ये अरवी आप ट्राई करना, और ये दाल बहुत अमेजिंग बनी है गाइस, मस्ट ट्राई, बहुत ही बढ़िया लगेगी आपको। तो दाल डाल दी मैंने और ये पुलाव बहुत टेस्टी बनते हैं। तो फटाफट सारी चीज़ें पैक कर देंगे, थोड़ा थोड़ा धनिया मैं ऊपर से डाल दूँगी, कहा ना मैंने कि दिखने में चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए, तो मैं इन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ। तो आज 3-4 टिफ़िन है, उस वाले टिफ़िन में नहीं जाएगा, तो फिर मल्टीपर्पज़ एक यू नो बैग है मेरे पास, इसमें आ जाते हैं सारे डब्बे। तो बस इस प्रकार से टिफ़िन लगाया मैंने। तो चाय नाश्ता हो गया, हस्बैंड ऑफिस चले गए, मैं थोड़ी देर बैठी और अब मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, आप मुझे कहाँ से देखते हैं, आपका नाम क्या है ये भी लिख के बताना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से कपड़े फोल्ड करिएगा, देखिए कपड़े कितने बढ़िया लगते हैं, थोड़ी सी जगह में आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। हमेशा कपड़ों को सीधा करके फोल्ड करेंगे ना, तो बच्चों को अलमारी में ढूंढने में दिक्कत भी नहीं होगी। चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।